हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं नोएडा की सबसे सस्ती मार्केट में, जहां सामान 50 से लेके 1000 तक के रेट में है। जी हां, नोएडा की सबसे सस्ती मार्केट। आपको शॉपिंग करने दिल्ली नहीं जाना, आप नोएडा में भी सेक्टर 18 में शॉपिंग करना चाहते हो तो ये ब्लॉग जरूर देखना। सो गाइस, मैं आई हूँ सेक्टर 18। नोएडा की बहुत ही पॉपुलर जगह है सेक्टर 18, जहाँ पर है अट्टा मार्केट। ये है वो आलीशान मार्केट जहाँ सामान 100 रुपए में से स्टार्ट होता है। आप किसी भी वैरायटी का सामान ले सकते हो। अगर आपको डेली शॉपिंग करने नहीं जाना है तो आप यहाँ पर कुछ भी खरीद सकते हो, वो भी बहुत कम रेट में। काफी पॉपुलर मार्केट है ये भी। और इस छोटी सी मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। अगर आप किसी हॉलीडे पे आए हो या इवनिंग के टाइम पे आए हो तो यहाँ पे और भी ज्यादा भीड़ मिलेगी। जूते, चप्पल, कुर्ती, सूट, साड़ी, यहाँ सब कुछ मिलते हैं। और अगर आपको स्ट्रीट शॉपिंग ना करके बड़े शोरूमों की शॉपिंग करनी है तो आप वो यहाँ कर सकते हो, वो भी यहाँ बहुत ही हाई फाई रेट के मिलते हैं। और स्ट्रीट शॉपिंग इज द बेस्ट शॉपिंग है यहाँ की। तो अट्टा मार्केट नोएडा की सबसे सस्ती मार्केट भी है स्ट्रीट शॉपिंग के लिए, और सबसे महंगी मार्केट भी है अगर आप शोरूम से यहाँ पे सामान खरीदते हो। तो बहुत ही भी महंगी मार्केट भी है और स्ट्रीट मार्केट बहुत ही सस्ती है। तो जब मैं आपको यहाँ पे कुर्ते, सूट, साड़ी, लहंगे सब दिखा रही हूँ, वो बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाएंगे। यहाँ आना बहुत ही आसान है। आप सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन आ सकते हो, बहुत आसान है। या फिर बोटेनिकल से यहाँ पे ऑटो मिलेगा, रिक्शा मिलेगा, 10 रुपये लेगा मात्र। और शॉपिंग के अलावा यहाँ पे खाने की भी पूरी व्यवस्था है, आप कुछ भी खा सकते हो। यहाँ पे स्ट्रीट फूड भी काफी ज्यादा फेमस है। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बताऊं, कोई नोएडा का कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो अट्टा मार्केट के बारे में जानता ना हो और यहाँ से शॉपिंग की ना हो। और अगर आपको बार्गेनिंग करनी आती है तो भाई कोई टेंशन की बात ही नहीं है। और अट्टा मार्केट को आप नोएडा की सरोजनी मार्केट भी कह सकते हो।
अगर आप सरोजनी मार्केट नहीं जा रहे तो आप अट्टा मार्केट भी जा सकते हो भाई, बहुत अच्छा। तो भाई यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ घूमते घूमते, तो अब मैं जा रही हूँ, कुछ खाऊंगी, कुछ पीऊंगी, रेस्ट करूँगी, उसके बाद ही देखूँगी क्या करना है। तो भाई अब बहुत ठंडा ठंडा जूस पीते हैं, उसके बाद ही अच्छा लगेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।